गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम भाग 1। मेरा नाम निशि अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। बच्चों, इस भाग में हम जानेंगे कि कोयला और पेट्रोलियम कैसे बनता है और इनके क्या उपयोग हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करें। हम प्रतिदिन जल, पौधे, ईंधन, मशीनें, वाहन आदि विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा कुछ मानव द्वारा बनाए जाते हैं। वायु, जल, मृदा व खनिज आदि प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। बच्चों, वायु, जल, मिट्टी, खनिज आदि ये सब चीजें प्रकृति में अपने आप पाई जाती हैं, ये मानव द्वारा नहीं बनाई जाती। तो ये क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। बच्चों, ये प्राकृतिक संसाधन कभी समाप्त नहीं होते, इसलिए ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु कभी समाप्त नहीं होते। ठीक है बच्चों, नंबर दो, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इनकी मात्रा सीमित है, जैसे वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। बच्चों, ये प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं,
जैसे वन है, वन्य जीव हैं, खनिज लवण है, कोयला, पेट्रोलियम, इनकी मात्रा बहुत सीमित है, तो ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है जिनका निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। बच्चों, इन संसाधनों को बनने में बहुत समय लगता है। अब हम पढ़ेंगे कि कोयला क्या होता है। कोयला यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। कोयले से उपयोगी पदार्थ जैसे कोक, कोलतार व कोयला गैस प्राप्त होता है। बच्चों, अब हम जानेंगे कि कोक क्या होता है। कोक यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का शुद्ध रूप है। कोलतार यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि कोलतार का क्या उपयोग होता है। नंबर एक, इसका उपयोग सड़क व छत निर्माण में होता है। नंबर दो, मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त होती हैं। कोयला गैस यह बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। पेट्रोलियम, बच्चों अब हम समझेंगे कि पेट्रोलियम क्या होता है। यह जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। यह भी एक जीवाश्म ईंधन है। इससे पेट्रोलियम गैस
पेट्रोल, डीजल व मिट्टी का तेल आदि प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। तुम देखते हो ना, आजकल वाहनों में CNG यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत कम होता है। ठीक है बच्चों, इसे घरों व कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, क्योंकि इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। बच्चों, CNG का अधिक उपयोग इसलिए भी किया जाता है कि इसको आसानी से पाइप द्वारा घरों व कारखानों तक पहुंचाया जा सकता है और उपयोग में लाया जा सकता है। इसीलिए आजकल CNG का उपयोग बहुत अधिक होता है। हमें कोयला, पेट्रोलियम का कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और इनसे वायु प्रदूषण भी होता है। तो बच्चों, अब आप समझ गए कि हमें कोयला और पेट्रोलियम का बहुत सोच समझकर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो बच्चों, अब पाठ का सारांश यहाँ पूरा होता है। भाग दो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।